हत्या का खुलासा किया है बाप ने बेटी की हत्या की, क्या वजह निकल कर आई, मोटिव क्या था और सब जांच में अब तक क्या निकल कर आया? हमें एक नहर में, शारदा नहर में देवरनिया थाने के अंतर्गत एक 20 वर्षीय लड़की की लाश मिली, जिसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था और चेहरे पे भी कुछ हमले से किसी चीज़ से उसके चेहरे को बिगाड़ा गया था। तो हमारे इंस्पेक्टर देवरनिया मनोज हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की और उनको उनके हाथ पर एक नंबर गुदा हुआ मिला, लेकिन वो नंबर अधूरा था, उसमें एक डिजिट नहीं थी। तो उन्होंने सभी डिजिट पर ट्राई करते करते एक नंबर था जिस पर फ़ोन बात करने के बाद वो बंद कर लिया उसने। तो इनको शक हुआ यही नंबर हो सकता है जो हमारा लीड हमें मिले जिस नंबर से इस मुकदमे में। इन्होंने बहुत मशक्कत की और उसके बाद उस नंबर की डिटेल्स निकाली, उस पर स्टडी की। उसके बाद इन्हें पता चला कि एक पिता और भाई हैं और उनके वहाँ उनकी बेटी कुछ दिनों से नहीं मिल रही है। तो इनको जब शक हुआ तो गोपा डांडी के खमरिया गोपा डांडी नामक गाँव के इन शख्स से इन्होंने पूछताछ की और इन्होंने बहुत ही उसमें बहुत तरीके से पूछताछ की, बहुत ही उसमें भी बहुत ही अच्छा इन्होंने तरीका अपनाया, जिसमें स्वयं इंस्पेक्टर नहीं थे, इन्होंने आम आदमी बन के गए और इन्होंने उनको कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे वगैरह। इन्होंने कई अच्छी मॉडस ऑपरेंडी बहुत अच्छी लगा के इन्होंने मदद की और उनके मदद करने का बात कह के उन्होंने इसकी अभियुक्तों को उनके घर से ग्राम मुड़िया हाफिज से गिरफ्तार किया। और इसके बाद जो ये लोग गिरफ्तार हुए इसका पूछताछ इन्होंने सारी बात को कबूल किया। ये माना जाए ऑनर किलिंग है? बिल्कुल, ये जैसा ये बता रहे हैं कि ये बच्ची के जो इनकी बेटी थी उसके जो हरकतें थी, क्योंकि घर से कई बार चली जाती थी और ये काफ़ी परेशान हो जाते थे और इनको अच्छा नहीं लगता था कि ये कई बार कहीं चली जाती थी और इनका कहना है कि उनकी हरकतें इन्हें अच्छी नहीं लगी, जो कि इनके लिए काफ़ी शर्मनाक थी। इसी कारण से इन्होंने मिलकर ये उनको शारदा नहर पर ले जाके ये हत्या की और उसमें उनको नहर में लाश को डाल दिया।